नमस्कार साथियों, साथी इस समय आप अपनी स्क्रीन पर डीपीआई द्वारा जारी एक काफ़ी महत्वपूर्ण पत्र देख रहे हैं जो कि समस्त जिला शिक्षा अधिकारियों के लिए जारी किया गया है। हम आपको बता दें, यदि हम पत्र में देखें तो सीएमराइज विद्यालयों में ग्रीष्म अवकाश में समर कैंप आयोजित किए जाएंगे और जो समर कैंप है वह 1 मई से 13 मई तक आयोजित होंगे और इनका जो समय रहेगा वह 8 बजे से 10 बजे तक रहने वाला है और जो समर कैंप है शाला स्तर पर तैयार किए जाएंगे। इनके आयोजन से विद्यार्थियों में रचनात्मक सृजनशीलता कला कौशल के विकास के साथ ही 21वीं सदी के विभिन्न कौशलों जैसे टीम वर्क, समस्या समाधान, आपसी सामंजस्य, तार्किकता आदि के गुणों का भी विकास होता है। गतिविधियां इसमें बिंदु क्रमांक 2 में दी हुई हैं। इस समर कैंप में थीम आधारित गतिविधियाँ कराई जाएँ। स्कूल लीडर्स विद्यार्थी की रुचि एवं स्थानीय उपलब्ध संसाधनों के आधार पर स्वयं तय करेंगे कि उनके विद्यालय में किन क्षेत्रों पर आधारित गतिविधियां कराई जाएं। कुछ सुझावात्मक थीम परिशिष्ट एक पर संलग्न है, इन्हें विद्यालय को भी भेजा जा रहा है। विद्यालय स्तर से अधिकतम 3 थीम्स का चयन कर उनके अनुसार शिक्षक, अतिथि शिक्षक, स्रोत विशेषज्ञ को चयनित करके उनकी जानकारी विद्यालय के द्वारा साझा की गई है। लिंक के माध्यम से राज्य को अवगत कराया जाए। स्कूल लीडर चयनित क्षेत्रों के अनुसार विद्यार्थियों के संचालन के लिए अतिथि शिक्षक, स्रोत विशेषज्ञ को बाहर से भी आमंत्रित कर सकते हैं। समर कैंप का समापन समारोह। समर कैंप के अंतिम दिवस पर विद्यालय द्वारा कराई गई गतिविधियों के आधार पर प्रदर्शनी का आयोजन किया जाएगा। समापन समारोह में पालकों तथा विशिष्ट अतिथियों को आमंत्रित कर अच्छा प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों को प्रोत्साहित किया जाए। सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों का चयन समर कैंप में उनकी उपस्थिति, गतिविधियों के दौरान उनका प्रदर्शन एवं कैंप के अंतिम दिन विद्यार्थियों की प्रस्तुति के आधार पर किया जाएगा। समर कैंप में प्रतिभागी प्रति विद्यार्थी ₹10 रजिस्ट्रेशन शुल्क लिया जाना निर्धारित किया गया है, जिसका रजिस्ट्रेशन फॉर्म परिशिष्ट 2 में संलग्न है। रजिस्ट्रेशन फॉर्म में अंकित पालक की सहमति भी प्राप्त की जाए। हम आपको बता दें कि जो समर कैंप आयोजित की जाएंगे उनकी मॉनिटरिंग भी जिला स्तर के जिला अधिकारियों एवं संभागीय अधिकारियों द्वारा की जाएगी। उसके लिए गूगल फॉर्म निर्धारित किया गया है। बेहतर प्रदर्शन करने वाले विद्यालयों में से संभाग स्तर पर एक विद्यालय का चयन कर राज्य द्वारा प्रशस्ति पत्र प्रदान किया जाएगा। श्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले विद्यालयों की चयन प्रक्रिया। स्कूल भ्रमण के दौरान अधिकारियों द्वारा दी गई रिपोर्ट के आधार पर छात्रों की उपस्थिति एवं बेहतर प्रदर्शन, कैंप के दौरान विद्यालयों द्वारा किए गए नवाचार, कैंप के लिए रोचक थीम का चुनाव, मीडिया कवरेज, पीरामल एजुकेशन फाउंडेशन। समर कैंप के क्रियान्वयन का बजट। समर कैंप में गतिविधियां कराने हेतु अधिकतम 3 चयनित शिक्षक, अतिथि शिक्षक, स्रोत विशेषज्ञ को 150 प्रति कालखंड, अधिकतम 2 कालखंड प्रति दिवस के मान से मानदेय भुगतान किया जाए। इस हेतु वित्तीय वर्ष 23-24 में स्कूल ग्रांट के अंतर्गत अदर मिसेलरस हेड में प्रावधानिक बजट से भुगतान किया जाएगा। इसके अतिरिक्त गतिविधियों के क्रियान्वयन में होने वाला आकस्मिक व्यय स्कूल ग्रांट स्थानीय निधि से नियम अनुसार किया जाएगा। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण पत्र डीपीआई से जारी हुआ है। हम आपको बता दें, जो सीएमराइज विद्यालय हैं उनमें 1 मई से 13 मई तक समर कैंप आयोजित किया जाएगा, जिसका समय सुबह 8 बजे से 10 बजे तक निर्धारित किया गया है। तो साथियों, ये था आज का महत्वपूर्ण अपडेट। मिलेंगे जल्दी नए अपडेट एवं नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत मित्रों।